पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है, वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है, करते हैं। तो हमने क्या किया, जेनरिक्स मेडिसिन, और वो उतनी ही उत्तम क्वालिटी की होती है। जो दवाई 100 रुपए में मिलती थी वो आज जेनरिक मेडिकल स्टोर में 15 रुपए में मिलती है। करीब 3000 ऐसी हमने जन औषधालय का काम किया है, और भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि सामान्य व्यक्ति, और उसको हम प्रचारित भी कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा भाई हार्ट की बीमारी, अब आपको तो पता नहीं चलता है, दिखता तो नहीं, अंदर डर रखता है हार्ट यार, कुछ होगा तो डॉक्टर कहेगा स्टैंड रखना पड़ेगा। तो कहता भाई चलो, फिर कहता है देखो दो स्टैंड है, ये रखोगे तो 2 लाख का होगा, ये रखोगे तो 1 लाख का होगा। तो वो सोचता है 2 वाला क्यों और 1 वाला क्यों, तो कहता है 2 वाला लिया तो जीवन तक चलता है, 1 वाला लिया तो 4-6 साल के बाद नया। तो फिर वो कहता है यार फिर यही लगवा लो 2 वाला, तो बेचारा कर से पैसा ले आता है। मैंने जरा पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चीज है 2-2 लाख रुपए की। मैंने नेगोशिएशन शुरू किए और आप हैरान होंगे, करीब करीब 60-80% कीमत कम हो गई। जो 1.5-2 लाख होता था वो आज 20,000-25,000 में हो रहा है गरीब की से। उसी प्रकार से नी ट्रांसप्लांट, करीब करीब अब लोगों का आदत तो रही नहीं आसन योगा करने की, वो मैं कहकर थक जाता हूँ योगा करो, अब ये चलता नहीं है तो कहते हैं चलो स्क्रू मिजाज फिट करवा दो, अब बहुत पैसे लेते हैं, मैंने उनको बुलाया वो भी खर। तो ऐसे कई पहलुओं को लिया है।